नमस्कार दोस्तों, मैं एकता गुप्ता हाजिर हूँ क्राइम टाइम में। और आज क्राइम टाइम आपके लिए लाया है उस 15 वर्षीय लड़की की कहानी जो मध्य प्रदेश के एक गांव में रहती थी। उसका गुनाह बस इतना था कि उसे अपने ही जीजा से प्यार हो गया, जो गलत भी था, लेकिन प्यार अंधा होता है और जो उसको हो ही गया। प्यार अंधा होता है, उसे हो गया, साथ ही उसने जो कदम उठाया वो भी गलत था। वो अपने जीजा के साथ घर छोड़कर भाग गई, जिसके बाद घर वालों ने और उसकी बहन ने पंचायत बुलाई। पंचायत ने ऐसा निर्णय लिया जिसके बाद उसकी पूरी ज़िंदगी तबाह हो गई। घर वालों ने 155,000 रुपये में उसको बेच दिया। जी हाँ, 155,000 में उसको बेच दिया गया। ये फैसला सुनाया पंचायत ने उसकी बहन के कहने पर कि वो उसका घर बर्बाद कर रही है। ये 15 वर्षीय मासूम लड़की की कहानी है जो मध्य प्रदेश के गांव में रहती है। आइए आज क्राइम टाइम के जरिए हम आपको ले चलते मध्य प्रदेश इसी गांव में, जहां इस युवती के साथ जो हुआ, जो उसने किया वो भी गलत था और जो पंचायत ने फैसला लिया वो भी गलत था। क्या घर वाले उस लड़की का सौदा कर पाए? क्या लड़की अपने घर वालों द्वारा बेचे जाने के विरोध कर पाई? क्या उसका जीजा उसके साथ खड़ा रहा? आइए नजर डालते क्राइम टाइम में इस 15 वर्षीय लड़की की लव स्टोरी पे नजर। जीजा के साथ भाग गई थी 15 साल की लड़की। पंचायत के कहने पर परिवार वालों ने 1.55 लाख में किसी और के हाथ बेचा। आपको बता दें, ये मामला मध्य प्रदेश के थार जिले में 15 साल की एक लड़की का सौदा उसके परिवार वालों ने 1,55,000 रुपए में 35 साल के एक शख्स के हाथों कर दिया। बताया जा रहा है कि लड़की पिछले सप्ताह जीजा के साथ गुजरात भाग गई थी और इस बात से नाराज होकर परिजनों ने यह कदम उठाया। मामला पुलिस तक पहुंचा है और बच्ची की खरीद बिक्री रोक दी गई है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना मध्य प्रदेश के थार जिले के धर्मापुरी पुलिस थाने में हुई। जिला चाइल्ड लाइन के अधिकारी पंकज जैन के हवाले से बताया गया है कि बच्ची के जीजा के साथ भागने के बाद गांव के एक पंचायत बुलाई गई थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि पंचायत लड़की की बड़ी बहन की शिकायत पर बुलाई गई थी, जिसमें उसने कहा था कि छोटी बहन का पति के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। जैन ने कहा कि पंचायत के निर्देश पर परिवार के लोगों ने 35 साल के एक शख्स के हाथों उसकी लड़की का सौदा कर दिया, जो कि मनावर तहसील का रहने वाला है। पुलिस ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि जांच के बाद केस दर्ज किया जाएगा। शुरुआती जांच के मुताबिक परिजनों ने 1,55,000 रुपए में सौदा किया था। 5,000 रुपए एडवांस के तौर पर दे दिए गए। इसके अलावा 5,000 रुपए समुदाय के भोज के लिए भी रखे गए। जिले के एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने कहा कि उनके संज्ञान में ये मामला आया है और शिकायत के बाद केस दर्ज किया जाएगा। जैन ने बताया कि बच्ची की काउंसलिंग कराई जा रही है, उसे शेल्टर होम में रखा गया। चाइल्ड लाइन के एक अन्य अधिकारी ने बताया कि बच्ची पढ़ना चाहती है, लेकिन वह अपने जीजा के साथ ही रहना चाहती है। हंगामा टाइम्स ब्यूरो।